बलरामपुर में कांग्रेस महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जिस तरह महंगाई दिनों दिन पाम पसार रही है, पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारा किसान कई महीनों से सड़कों पर है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार मौन है। केंद्र में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। और महंगाई पूरे देश में चरम सीमा पर है। हर युवा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रोजगार के तलाश में धक्के खाता फिर रहा है। अभी मिलिट्री में भर्ती करने के लिए केंद्र की भाजपा की सरकार ने नई योजना चलाई, अब नहीं करता, जिसमें जो युवा है वो 4 साल तक नौकरी करेगा, जिसके बाद वो घर बैठ जाए, और वो भी जगह कितनी निकाली उसके मुँह में दीगा। आवश्यकता कुछ है और वो भी 4 साल की। ये जो अग्निपथ है, ये योजना मिलिट्री के अधिकारियों और सिपाहियों, लास्ट नायक, यहाँ तक कि सूबेदार, मेजर, इनके बीच में दीवार खड़ी करने वाली ये योजना है। क्योंकि जो अधिकारी है वो तो 7 साल की उम्र तक नौकरी करेगा, जब तक उसकी उम्र 7 साल नहीं हो जाएगी, और जो युवा है, जो सिपाही है, जो सैनिक है, उनको 3-4 साल रिटायर करके घर बैठा देगा। क्या इससे अधिकारियों और सैनिकों के बीच में दीवार नहीं खड़ी है? एक तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार बनाया जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा जिसका विरोध पूरे देश में है। अगर मैं आज की तारीख में ये कह दूँ कि श्री नरेंद्र मोदी के दो भाई बेरोजगारी और महंगाई, तो गलत नहीं। आज त्राही मची हुई डीजल पेट्रोल के रेट क्या है, डीजल पेट्रोल के रेट क्या है। अब आप कहते हैं कि हमने महंगाई में कंट्रोल कर लिया, कोई महंगाई नहीं। केंद्र मंत्री बयान देता है, 2014 में ये सरकार में आए, केंद्र सरकार 2014 में जो रसोई गैस है वो 4 पर 10 रुपये पर सिलेंडर मिलती थी, आज 1053 रुपये और 1240 रुपये, यानी 156% उन्होंने दी। पेट्रोल जब 2014 में सरकार में आए तो 71 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल जो है आज। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।